Assalamualaikum, this is Hadika Walid. Hope you all are doing well. On this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Dreiker's classroom management theory. So, let's start. ओके तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी का मेन जो है पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं और ड्राइकर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और उसने क्या चीज़ प्रपोज की थी थ्योरी से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट. रुडोल्फ ड्राइकर प्रपोज द थ्योरी दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुड बी द बेसिस फॉर डिसिप्लिन एंड दैट दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट मोटिवेट्स लर्नर टू डिस्प्ले पॉजिटिव बिहेवियर. बेसिकली ड्राइकर का कहना ये था कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ये हमारे डिसिप्लिन की जो है ना एक बुनियाद होती है. कहते हैं कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है मोटिवेट करती है लर्नर को कि वो अपना जो है पॉजिटिव बिहेवियर को डिस्प्ले कर सके. अब ड्राइकर का बिलीव क्या था. ही बिलीव स्टूडेंट हैव एन इनेट डिजायर टू फील लाइक एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ अ ग्रुप एंड टू फील लाइक दे हैव अ वैल्यू कॉन्फिडेंस टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट ग्रुप. अब उसका कहना ये था कि जब स्टूडेंट में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है और जब स्टूडेंट जो है एक पॉजिटिव बिहेवियर को डिस्प्ले करता है तो उसके अंदर एक फीलिंग इस तरह की आती है कि वो अपने आप को एज अ ग्रुप मेंबर जो है वो एक्सेप्ट करता है. ठीक है. और ये चीज़ अपने माइंड में कंसिडर करता है कि उसकी भी इस ग्रुप में कोई वैल्यू है. आई मीन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो ग्रुप से रिलेटेड जो है वो डिवेलप हो जाता है. ड्राइकर कॉल दिस डिजायर टू बिलोंग द जेन्युइन गोल ऑफ स्कूल बिहेवियर. उसने इस चीज को क्या नाम दिया था. जेन्युइन गोल ऑफ स्कूल बिहेवियर. ठीक हो गया. इफ स्टूडेंट आर अनेबल टू अचीव दिस गोल दे स्टार्ट अ सीरीज ऑफ गोल्स ऑफ मिसबिहेवियर. कहते हैं कि अगर वो अचीव नहीं कर पाते मीन अपने आप को ग्रुप में जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते पॉजिटिव बिहेवियर को डिस्प्ले नहीं कर पाते तो वो एक गोल ऑफ मिसबिहेवियर की तरफ चले जाते हैं. द रिजल्टिंग मिसबिहेवियर इज अ मिसगाइडेड अटेम्प्ट एट गेनिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे आर मिसिंग. ओके फंडामेंटल ऑफ ड्राइकर्स सोशल डिसिप्लिन मॉडल. अब इसके क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे हम लोग ये देख लेते हैं. ड्राइकर्स सोशल डिसिप्लिन मॉडल इज बेस्ड ऑन द फोर बेसिक प्रीमिसेस ऑफ एडलर सोशल थ्योरी. अब ये प्रीमिसेस क्या हैं हम देखते हैं. ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स एंड देयर बेसिक मोटिवेशन इज टू बिलोंग. आल बिहेवियर हैज अ पर्पस. ह्यूमंस आर डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस ओनली परसीव रियलिटी एंड दिस परसेप्शन मे बी मिस्टेकन और बाइस्ड. कहते हैं कि जो भी बिहेवियर हम लोग शो करते हैं दुनिया में हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं या हम लोग नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं या हम लोग न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पर्पज होता है. ह्यूमन बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनके पास डिसीजन लेने का भी और देने का भी इख्तियार होता है. ठीक हो गया. ह्यूमन जो है वो एक वही बुनियादी चीज़ है जो कि रियलिटी को परसीव कर सकते हैं गलतियां कर सकते हैं बाइसनेस शो कर सकते हैं. ठीक है. ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके फंडामेंटल प्रीमिसेस में आती हैं. ठीक हो गया. आके जी ड्राइकर्स के कौन से फोर गोल्स हैं मिसबिहेवियर के हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट है जी गेन अटेंशन. सेकेंड वन इज गेन पावर एंड कंट्रोल. थर्ड वन इज गेन रिवेंज. फोर्थ वन इज डिस्प्ले फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी. जी हाउ टू कम्बैट द फोर गोल्स ऑफ मिसबिहेवियर. अब हम लोग उन फोर गोल्स ऑफ मिसबिहेवियर से कैसे कम्बैट कर सकते हैं मीन उनसे कैसे मुकाबला कर सकते हैं. तो फर्स्ट है इसका गेन अटेंशन. इग्नोर द अटेंशन सीकिंग एंड यूज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट वेन पॉजिटिव बिहेवियर इज शोन. कहते हैं कि अटेंशन सीकिंग को आप लोग इग्नोर करें और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट को यूज़ करें जब आप लोगों को क्लास रूम में पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो शो हो रहा हो. डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट बाई ऑफरिंग अल्टरनेट एक्शन और चॉइसेस. और जो अटेंशन सीकिंग कर रहा हो उसको आप लोग किसी भी डिफरेंट चॉइसेस से अल्टरनेट से आप लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या आप लोग उसको कोई किसी भी काम में मशगूल कर सकते हैं या कोई भी आप लोग अल्टरनेट जो है उसका देख सकते हैं. लाइक प्लीज कुड यू हैंड आउट द बुक्स. मतलब आप लोगों ने किसी ना किसी तरीके से बच्चों का ध्यान हटाना है ना तो आप लोग कोई भी उनसे बात करके कोई भी उनसे कह लो एक बात बोल के आप लोग उनका जो है अटेंशन जो है उनकी डाइवर्ट कर सकते हैं. ठीक हो गया. सेकेंड वन है गेन पावर एंड कंट्रोल. अब आप लोग इसके नाम से ही याद रखें गेन पावर. पावर को हासिल करें और क्लास में कंट्रोल जो है वो कायम रखें. तो कहते हैं कि फोकस ऑन ऑल द गुड बिहेवियर इन द क्लास. जो भी क्लास में अच्छा सलूक हो रहा है जो अच्छा आप लोगों को गुड बिहेवियर लग रहा है उस पर फोकस करें उस पर तवज्जो दें. ठीक हो गया.
वाइल इग्नोरिंग द अटेम्प्ट टू गेन पावर ऑन नो अकाउंट शुड यू एंगेज इन अ बैटल फॉर पावर. कहती हैं कि और इन चीज़ों से ग्रेज करें. लाइक क्लास में ऐसा होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम अगर आप लोग जो है क्लास में मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो कोई पांच छह क्लास में से बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो वो जी आपस में लड़ाई करने लग पड़ते हैं कि भाई मैंने बनना है क्लास का मॉनिटर या मैंने बनना है या मैंने बनना है. तो आप लोगों ने इस किस्म की लड़ाई को क्लास में होने से रोकना है. आप लोगों ने इस किस्म की क्लास में लड़ाई को नहीं होने देना. आप लोगों ने बहुत ही खुश असलूबी के साथ, आप लोगों ने गुड बिहेवियर को यूज़ करके जो है अपनी बैटल फॉर पावर को यूज़ करके जो है आप लोगों ने क्लास को, क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा क्रिएट करना है. तो बिल रॉगर्स ने इसी वजह से, वो क्योंकि वो बिहेवियर्स का एक्सपर्ट था, तो उसने इस अप्रोच को ब्लैक डॉट वाइट स्केयर अप्रोच का जो है वो नाम दिया था. ठीक हो गया जी. गेन रिवेंज. रिमेंबर डैट द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू गेन अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड दिस रिवेंज सीकिंग इज अ मास अटेम्प्ट टू गेन इट अवे फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. लेट द स्टूडेंट नो डैट यू केयर अबाउट देम एंड देयर एजुकेशन, डैट डिस्पाइट देयर एक्शंस यू वांट द बेस्ट फॉर देम. गेन रिवेंज का बेसिकली मतलब होता है बदला लेना. तालबिलम जो होते हैं ना वो बेसिकली टीचर के साथ ना ताल्लुक कायम करने की ना बेइंतहा कोशिश करता है कि मैं टीचर के साथ जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हो जाऊँ, मेरा टीचर को नाम पता चल जाए, मेरे टीचर को थोड़े बहुत एक्ट के बारे में पता चल, जिससे टीचर जो है वो मुझे याद रखे. इससे वो क्या होता है कि दूसरे जो बच्चे होते हैं ना उसके साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है. वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही आगे जाता जाऊँ. तो हमारा काम क्या है, टीचर्स का काम क्या है, बच्चों को एहसास दिलाना कि उन्हें स्टूडेंट्स की भी परवाह है और स्टूडेंट की तालीम की भी परवाह है. वो जोन से मर्जी इकदाम कर ले, उनके बावजूद भी टीचर का काम ये है कि बच्चों को एहसास दिलाना कि वो हर हालत में बच्चों की क्या चाहता है, बेहतरी चाहता है. ठीक हो गया. डिस्प्ले फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एट दिस स्टेज द स्टूडेंट हैज गिवन अप ऑन देमसेल्फ. दिस स्टेज विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉट डूइंग होमवर्क, नॉट पार्टिसिपेटिंग. स्टूडेंट एट दिस स्टेज शुड बी शोन हाउ टू रिकॉग्नाइज स्मॉल सक्सेसेस एंड अचीवमेंट. Showing an interest in them and their work will always help slowly bring a student out of this stage. इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है बिल्कुल उम्मीद हार चुका होता है अपने आप से. वो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कोई होमवर्क नहीं करता, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता. इस स्टेज में अब हमारा क्या काम है, बच्चों को छोटी छोटी कामयाबियों के बारे में बताना कि आप लोग अगर घर का होमवर्क करके आएंगे तो आप लोगों को इससे कितने फ़ायदे होंगे, आप लोगों के एट द एंड ऑफ पेपर आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा जब आप लोग पेपर करने बैठेंगे. बच्चों को स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स के बारे में उनको थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज कराना, उनको थोड़ी सी उनकी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट करना, तो इससे बच्चा जो है वो थोड़ा सा काम करने के काबिल हो जाता है. उनमें काम करने का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना, उन्हें ये चीज़ बताना कि थोड़ा थोड़ा काम करने से भी हम लोगों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है, उन्हें ये चीज़ डेवलप करवाना, इस चीज़ से जो है बच्चों का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई की तरफ डेवलप हो जाता है. तो अभी कुछ और तरीके हैं कि हम लोग मिस बिहेवियर को कैसे जो है वो मिसलीड कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. इसका है जी अटेंशन गेटिंग. अटेंशन गेटिंग में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं टेंशन को, हम लोग इग्नोर कर सकते हैं बिहेवियर को. स्टैंड क्लोज बाय और राइट अ नोट. सेकेंड है लेगिटिमाइज द बिहेवियर, क्रिएट अ लेसन आउट ऑफ द बिहेवियर, हैव द क्लास ज्वाइन इन द बिहेवियर. डू द अनएक्सपेक्टेड, टर्न आउट द लाइट्स, प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टॉक टू द वॉल. डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट, आस्क अ क्वेश्चन और अ फेवर, चेंज द एक्टिविटी, रिकॉग्नाइज अप्रोप्रिएट बिहेवियर. में थैंक स्टूडेंट, गिव द राइटिंग नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन. मूव द स्टूडेंट, आस्क द स्टूडेंट टू सिट एट अनदर सीट, सेंड द स्टूडेंट टू अ थिंकिंग चेयर. ये बेसिकली डिफरेंट जो हैं तरीके हैं अटेंशन को हासिल करने के, ठीक है, बच्चों से, जिसमें हम लोग स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, मूव कर सकते हैं स्टूडेंट को, कोई भी अनएक्सपेक्टेड थिंग को क्या लोग के अलाउ कर सकते हैं, लेगिटिमाइज कर सकते हैं बिहेवियर को, मिनिमाइज कर सकते हैं अटेंशन को. तो काफ़ी तरीके हैं. मूव टू द स्टूडेंट में ये चीज़ आ सकती है कि स्टूडेंट को कह दिया जाए कि आप लोग दूसरी सीट पर बैठ जाएँ और सेंड कर दिया जाए स्टूडेंट को थिंकिंग चेयर पे. उनके अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे रिकॉग्नाइज कर दिया कर सकते हैं, हम लोग बच्चों का शुक्रिया अदा करके उनके लिए कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नोट जो है वो लिख के, ठीक है. डिस्ट्रैक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट से उनकी फेवर से मुतल्लिक, उनकी एक्टिविटी से मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन को आस्क करके.
हम लोग अनएक्सपेक्टेड कैसे कर सकते हैं, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड थिंग, हम लोग लाइट्स को ऑन करके कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, या दीवारों से बातें करके. लेगिटिमाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं बिहेवियर को, हम लोग कोई ऐसा लेसन क्रिएट कर लें बिहेवियर के बारे में और फिर हम लोग क्लास ज्वाइन कर लें बिहेवियर से रिलेटेड. सेकेंड है जी सीकिंग पावर एंड कंट्रोल, मेक अ ग्रेसफुल एग्जिस्ट, एक्नॉलेज स्टूडेंट पावर, रिमूव ऑडियंस, टेबल मैटर फॉर लेटर डिस्कशन, यूज अ टाइम आउट, अप्लाई द कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, अब हम लोग इसमें पावर को और कंट्रोल को कैसे सीख कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं. ठीक है, ग्रेसफुल एग्जिस्ट आप लोग मेक कर लें, स्टूडेंट की जो पढ़ाई है उसकी नॉलेज को एक्नॉलेज कर लिया जाए, ऑडियंस को रिमूव कर दिया जाए. ठीक है, टाइम आउट यूज़ कर लिया जाए और कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको अप्लाई किया जाए. मीन एट दी एंड जो है वो प्रोज और कॉन्स देने का जो रिवाज है वो ज़रा थोड़ा सा कायम कर लिया जाए. ओके जी, सीकिंग रिवेंज सेम एज फॉर कॉन्टेस्ट फॉर पावर. फोर्थ है डिस्प्लेइंग इनएडिक्वेसी, मॉडिफाई किया जाए इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को. ठीक है, यूज़ किए जाए कंक्रीट लर्निंग मटीरियल्स और कंप्यूटर इनहेंस इंस्ट्रक्शंस को. टीच वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप को एक वक्त में पढ़ाया जाए, ये ना हो कि ओवर क्राउडेड काम किया जाए कि बच्चों को कुछ भी समझ ना आए. ट्यूटरिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड स्पीच जो है वो प्रोवाइड की जाए और पढ़ाई भी जाए. उनको ये बताया जाए कि मिस्टेक्स आर ओके, बिल्ड स्टूडेंट बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो डिवेलप किया जाए, वो बिल्ड किया जाए. उनकी जो पास्ट की कामयाबियाँ हैं उन पर फोकस किया जाए, उनको टेंजिबल थिंग्स के बारे में पढ़ाया जाए और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करवाया जाए. सो जी, ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हमने फोर मोड्स पढ़े हैं कि हम लोग जो है मिस बिहेवियर को कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो होप सो आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.